नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम दशा महादशा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहना है सितारों का हमारे बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों, सितारों का कहना है कि आज निराशा का भाव आपके ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। मन आज काफ़ी उलझन भरा रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कन्फ्यूजन्स आज बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। निवेश करने के लिए भी आप सेकंड थॉट अवश्य लें क्योंकि दिन शुभ नहीं है। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो दिन शुभ नहीं है। वाहन संबंधित दुर्घटना भी यहाँ पर आज हो सकती है। वृषभ राशि, अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव किसी नज़दीकी संबंधित द्वारा यहाँ प्राप्त हो सकता है। व्यवसायियों के लिए दिन शुभ है। पार्टनरशिप में जो कार्यरत हैं उन्हें यहाँ पर आज लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों, मेहनत करने का दिन है। सितारों का ये कहना है कि मेहनत करके अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए आप सफलता को प्राप्त करेंगे, लेकिन दिन जो है वो थकान भरा रहने वाला है और दिन के अंत तक काफ़ी ज़्यादा थकान के कारण आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण आपकी निद्रा जो है, आपकी नींद जो है वो प्रभावित देखने को मिल सकती है। कर्क राशि वालों, यहाँ पर छात्रों के लिए दिन जो है वो काफ़ी अच्छा है। छात्र अपनी पढ़ाई को लेके और भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आएंगे। उनका पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो अपनी एजुकेशन की तरफ ही रहने वाला है। जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए, तो माता का स्वास्थ्य जो है यहाँ प्रभावित देखने को मिलेगा, उससे संबंधित चिंता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। हाँ, परिवार से संबंधित यहाँ पर कुछ नया सामान आप खरीद सकते हैं। गृहस्थी पर खर्च देखने को यहाँ पर मिलेगा। कन्या राशि, दिन जो है वो उत्साह के साथ में भरा हुआ है। जीवन साथी के साथ में संबंध यहाँ पर मधुर दिख रहे हैं कन्या राशि वालों आपके। मेन यहाँ जो दिक्कत है वो आपके कार्य क्षेत्र में दिख रही है कि अधिकारियों के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो सकता है। तुला राशि, सितारों का ये कहना है तुला राशि वालों कि आज आपको संतोषजनक परिणाम ही यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। आर्थिक मामलों में दिन आपका यहाँ पर शुभ देखने को मिल रहा है कि आपका रुका हुआ धन जो है वो यहाँ पर आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रयास है आप करेंगे तो यहाँ पर निश्चितता जो है वो यहाँ पर 101% हो जाएगी कि आपका धन जो रुका हुआ है वो आपको प्राप्त हो जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन शुभ है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये सप्ताह जो है वो सुख साधनों को बढ़ाने वाला ही है। आपके जो मेन खर्चे हैं वो अपने सुख संसाधनों को बढ़ाने में ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्वयं पर आत्मविश्वास आपका आज जो है वह बना ही रहेगा। दिन शुभ है। धनुराशि वालों, खर्चे आज आपके बढ़ने वाले हैं और खर्चे भी सारे ऐसे होंगे जो किसी काम के नहीं, यूं समझे कि धन आपका आज फिजूल ही खर्च होने वाला है। पति का स्वास्थ्य यहां पर आज प्रभावित देखने को मिल सकता है। निवेश करने के लिए दिन शुभ है। मकर राशि वालों, धनदायक दिन है। कोर्ट कचहरी संबंधित या कानूनन मामलों में फैसला आपके पक्ष में यहाँ पर बन सकता है। मेहमानों का आना जाना भी आज घर में रहने वाला है, जिसके कारण दिन आज कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलने वाला है। कुंभ राशि, धार्मिक कार्यों के प्रति यहाँ पर आपकी काफी रुचि रहने वाली है। यहाँ आपका धार्मिक स्थल पर भी जाना हो सकता है, उससे संबंधित खर्चे भी यहाँ आपके आज होंगे। व्यापारियों के लिए दिन उत्तम है। यदि यात्रा कर रहे हैं व्यापार से संबंधित तो यात्रा सफल रहेगी। मीन राशि वालों, यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। संतान का स्वास्थ्य यहाँ पे प्रभावित आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण अस्पताल में भी यहाँ आपके चक्कर लग सकते हैं। पड़ोसियों के साथ में भी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण किसी प्रकार का झूठा इल्ज़ाम भी यहाँ पर आपको सुनना पड़ सकता है। जो आपने नहीं किया वो भी सुनना पड़ेगा आज के दिन। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा। कल का प्रोग्राम है हमारा आठवें भाव से संबंधित। आठवां भाव है हमारी आयु से संबंधित। अगर जानने की इच्छा है आपके अंदर कि मेरी मृत्यु का कारण कैसा होगा, कौन सा भाव है जो कुंडली में मुझे मेरी मृत्यु के बारे में बता सकता है, तो वो है कुंडली का आठवां भाव। हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन
जब भी करने की कोशिश करते कोई ना कोई रुकावट आके खड़ी हो जाती है सामने, करे क्या। तो उसका भी हल कुंडली का आठवां भाव ही देता है, कार्यों में रुकावट है। कुछ भी अच्छा करने जाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो रोक लग जाती है। जब भी किसी से कुछ बात करने जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, प्रॉब्लम हमेशा सर पे खड़ी हो जाती है। उस व्यक्ति से मिल नहीं पाते या कोई ऐसी समस्या जिससे हमारा काम आगे बढ़ नहीं पाता, तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि कुंडली का आठवां भाव है दूषित। तो किस तरीके का दोष बनाता है कुंडली का आठवां भाव, क्या शुभ प्रदान करता है आठवां भाव, इन सब के बारे में कल हम जानेंगे। कुंडली के अष्टम भाव के बारे में कि क्या क्या ये हमें हमारे जीवन के बारे में बताता है, इसे देखना न भूलिएगा कल का प्रोग्राम। नमस्कार।